Jaya Jaya Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Thank you.
महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नी गौरवदृशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कर्ता श्रीराधिकास्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी ब्रह्मानि हरि प्रिय वृंदाय सरस्वत कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवर्तये नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियाद्वैत गदाधर गौरभक्तवृंद बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हम लोग गतकल्ला श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के कहते हुए रूप के जो भक्ति है ये भक्ति रस एक जिसका कोई आर पार नहीं, लेकिन भक्ति रस का तो कोई आर पार नहीं। मैं तुम्हें वो भक्ति रस का केवल एक बूंद तुम हम चखवाएंगे, लेकिन उनके लिए तो एक बूंद है, लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बहुत है, हमारे लिए बहुत हम लोग हैं। इसलिए एक बूंद उन्होंने जब बताए तो उन्होंने ये जिसको कहते से रूप से क्या महाप्रभु प्रयाग में इनके हृदय में पानी पानी कौन देखिए उनके हृदय में महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में जितने रस सिद्धांत हैं, जितने तत्व सिद्धांत हैं और जितने भक्ति सिद्धांत सबके सब उनके हृदय में महाप्रभु ने उनके हृदय में सबके चुनने स्फूर्ति प्राप्त कराया। क्योंकि ये श्री रूप गोस्वामी इनके लिए बताया गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम तथा स्वतता। इन्होंने श्रीमन महाप्रभु की जो मनोभीष्ट है उनकी जो इच्छाओं को उन्होंने जगत में स्थापन करेंगे। इसलिए महाप्रभु को पता है मैं क्यों आया, किस लिए आया, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है। केवल ये रूप ही भविष्य में मेरे मन की इच्छाओं को प्रकाश कर सकता है। क्योंकि इनका नाम रूप, इनका नाम श्री रूप, मतलब ये महाप्रभु का अपना रूप है, भक्तों का रूप है, राधा रानी का रूप है, सबका रूप श्री ये रूप गोस्वामी। तब हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कैसे थी भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म में भटक रहे हैं। 84 लाख जन्म में भटक रहे, कभी राजा बनता है, कभी प्रजा बनता है, कभी दुखी बनता है, कभी सुखी बनता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है। ऐसे ही जीव ये 84 लाख जन्म में जीव भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जीव कितना छोटा है, कहते बाल का अग्रभाग को कितना छोटा है, कहते तो अग्रभाग को अगर हमने 100 भाग कर दिया जाए वो जितना छोटा है जीव उतना छोटा है। इसलिए अपनी आँखों में हम जीव को देख नहीं सकते, जीव को देख नहीं सकते। इसलिए एक ग्लास पानी को अंदर इतने बैक्टीरिया पृथ्वी में इतने जीव तक भी नहीं है।
बोले जीव इतने छोटा है, हैं, इसलिए बताए जैसे जगत में धूल कणा को नहीं गिन सकते हैं, हैं, कहते जगत में इतने जीव है, कहते वो जीव को भी तुम गिन नहीं सकते हैं, वो जीव को भी हम गिन नहीं सकते हैं, इतने जीव इतना छोटा, इसलिए इन्हीं आँखों में जीव को हम जो आत्मा को हम इसको देख नहीं सकते हैं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते उन्हीं जीवों में तरह तरह का उसमें विभाजन की गई है, कुछ स्थावर है, कुछ जंगम है, कहते जंगम में भी तीन तरह, जंगम में भी कहते उसमें दो भाग है, कहते जंगम में त्रिज्या एक जल चर एक स्थल चर, उसमें भी विभाजन किया है, हैं, इसमें कुछ जल में रहने वाले, कुछ पानी में जीव रहते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो पानी में भी रहते हैं, जो स्थल में भी रहते हैं, कौन कौन है, जैसे कछुआ है वो भी पानी में रहता है, वो भी स्थल में रहता है मिट्टी में, जैसे सांप है कभी पानी में भी रह सकता है कभी मिट्टी में भी वो रह सकता है, और ऐसे कुछ जीव जो आकाश में उड़ते हैं, कहते वो कौन है, जितने पक्षी हैं, जितने पक्षी हैं, कहते और कुछ पेड़ पौधा, लेकिन इन जीवों को अंदर में जो मनुष्य जाति है बहुत कम है, मनुष्य जाति बहुत कम है, हैं, सबसे कम ये मनुष्य जाति है, इसलिए ये मनुष्य जाति के लिए बताए भगवान कहते हैं देत ईस बिनु हेतु सनेही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर कोई बोले अरे हमने बढ़िया कर्म किया है ना, तभी तो भगवान ने हमें मानव शरीर दे दिया, कहते नहीं तुम्हारी कर्म से कोई मानव शरीर नहीं मिला, एक तरफ से कहते हैं बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है, दूसरे तरफ में कहते हैं तुम्हारी कोई भाग्य से मानव शरीर नहीं मिला, बोले देत ईस बिनु हेतु सनेही, भगवान तो कैसे कृपा करके तुम्हें ये मानव शरीर दे दिया, क्योंकि इतने जगत में जीव है, इतने जीव है, अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो मानव शरीर बहुत कम है, मतलब भगवान कैसे कृपा करके हमें ये मानव शरीर हमें कैसे प्रदान कर दिया, इसलिए लेकिन वो मानव शरीर में भी बहुत सारे भेद है, बोले क्या क्या भेद है, कुछ ऐसे मलेच्छा है, कुछ मलेच्छा है, मलेच्छा कौन है, कहते जो मुसलमान जिनको कहते हैं, कहते ऐसे कुछ है जो पुली पुली को जंगल में है, जो जंगल में रहते हैं, कुछ उन्हें बौद्ध है, कुछ उसमें सबर है, सबर जाति के नहीं है, कहते सबर जाति के, लेकिन इन जीवों में भी बहुत सारे भेद हैं, बोले क्या क्या भेद है, इसमें क्या क्या भेद है, उसमें ये जीवों के अंदर में बहुत बहुत विरल व्यक्ति कोई ये वेद को मानता है, बहुत सब ये वेद को नहीं मानते, बड़े विरल व्यक्ति वेद को मानते हैं, लेकिन जो वेद को मानने वाले में भी कुछ ऐसे लोग हैं केवल मुंह में मानते हैं लेकिन अपना जीवन में नहीं उतारते, केवल उसको मुंह में मानते हैं, हम शास्त्र मानते हैं लेकिन बोलते तो शास्त्र मानते हैं लेकिन अपना जीवन में उसको उतारते नहीं, केवल मुंह में मानते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति वेद को मानने पर भी लेकिन वेद निषिद्ध पाप कर्म धर्म नहीं करे, वेद का जो निषिद्ध कर्म को करते हैं जो नहीं करनी चाहिए वो कर्म पाप कर्म करते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर में जो वेद को मानने वाले के अंदर में कहते धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, लेकिन जो धर्म को आचरण करने वाले जो कुछ लोग हैं उनके अंदर में बहुत लोग उसमें कर्म में जिनको रुचि रखते हैं, कर्म में रुचि रखते हैं मतलब क्या, मतलब जगत का पुण्य कर्म करेंगे, दान पुण्य, हॉस्पिटल खोलना, बच्चों को खाना खिलाना, दूसरों की परब को पार करना, क्योंकि करके कर क्या करेंगे, बोले स्वर्ग जाएंगे, बोले स्वर्ग जाकर क्या करेंगे, बोले वहाँ पर भोग करेंगे, हैं, तो स्वर्ग जाकर हम भोग करेंगे,
उसके अंदर में बहुत सारे कर्मों को जो विश्वास करते हैं, ये दुनिया में देखना लोग अधिकांश लोग इसी में विश्वास करते हैं। दुखी दरिद्रों का दान दो, स्कूल कॉलेज खोलो, दूसरा का कल्याण करो, हैं क्यों करने पर हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी, वहाँ पर भोग करेंगे। इसलिए कुछ कर्मनिष्ठ है, लेकिन ऐसे करोड़ों करोड़ों कर्मनिष्ठों के अंदर में कहते एक ज्ञानी श्रेष्ठ है, एक ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति ये संसार से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, और जो व्यक्ति लास्ट में चाहते हैं क्या हम जगत में जन्म लेने पर जगत में दुख कष्ट मिलेगा, अतः क्या करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसु, इसलिए क्या करो, पूरा जाकर ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को जाकर ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो। जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, फिर तो हमारी जीवन मुक्त हो जाएगा। इसमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, लेकिन भक्त लोग ये चीज नहीं चाहते, भक्त लोग वो चीज को नहीं चाहते, जाकर के ब्रह्म ज्योति में अपने आप जाकर लीन हो जाओ। भगवान कहते हैं दिया मान अपना गृहणति मत सेवक मत सेवन हो मिला, अगर मैं अपना भक्तों को मुक्ति देना चाहे तो मेरे भक्त लोग मुक्ति नहीं लेते हैं, भक्त लोग मुक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कहते नरक बादशाह तब वो साधु जो ना चाहे, कहते भले ही हम नरक जाना चाहते नरक चले जाएंगे, लेकिन ये जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो जाना हम नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं चाहते, बोले भैया अगर एक बार ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए ना, फिर तो गया जीव की सत्ता खत्म हो जाए। हाँ, जो जीव है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम भगवान के नित्य सेवक है, अगर वो ज्योति में लीन हो गया फिर सत्ता खत्म हो गया। फिर जो भगवान प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप है, फिर तो वो प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा, तो प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते अगर नर्क जाएंगे एक बार नर्क से अगर मुक्ति भी दे, फिर तो मानव संघ मिलेगा, फिर तो भक्तों का संघ मिलेगा, फिर भक्तों का संघ से फिर भक्ति करेंगे, लेकिन एक बार अगर हम मुक्त हो गए फिर तो गया जीवन गया ही होगा। इसलिए श्री रामानुज आचार्य कहते हैं एक तरफ में एक शेर खड़ा है, एक तरफ में एक शेर खड़ा है, दूसरे तरफ में जो ज्ञानी जो भगवान को निराकार ब्रह्मवादी, एक तरफ में ब्रह्मवादी खड़ा हुआ, एक सन्यासी, एक तरफ में एक शेर खड़ा हुआ, बोला हम किधर जाएंगे, बोला किधर जाएंगे, वो कहते जिधर शेर खड़ा हुआ ना मैं उधर चले जाता, लेकिन जिधर एक मायावादी सन्यासी खड़ा हुआ उधर नहीं जाऊँगा, क्यों, बोले अगर इसका संगम मेरे को मिला बात जीवन गया तो मैं बर्बाद हो, लेकिन अगर हमें शेर खा जाएगा ना फिर देव दो बार क्या होगा, दो बार फिर हमें मानव शरीर मिलेगा, फिर भक्तों का संग मिलेगा, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर भगवान के चरण की हमें सेवा की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर मायावादी ब्रह्मवादी से मिला तो जीवन हमारी नष्ट हो गया। इसलिए कभी भी ऐसे संग भगवान कहते ऐसे संग कभी हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के अंदर में वो बोलते तो हम ब्रह्म में साधु जो मुक्ति पाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन वो साधन इतने आसान नहीं, बोलने पर भी वो साधन इतने आसान नहीं, उसके लिए बड़े कठोर साधन करना पड़ता है, अंतर इंद्रियों को दमन करना पड़ता है, बाहर इंद्रियों को दमन करना पड़ता है, हैं अपना अंतर इंद्रिय और बाहर इंद्रिय इसको दमन करना पड़ता है, मन को एकाग्रता करके अहम ब्रह्मास्मि हम में वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम वही हो, सर्वम खलदम ब्रह्म सभी ब्रह्म हैं, उसके लिए कठोर साधन है, कठोर साधन है। ऐसे करोड़ करोड़ जो ज्ञानियों के अंदर में कोई एक विरल व्यक्ति सचमुच से मुक्त होते हैं, लेकिन मुक्त होना इतना आसान नहीं, लेकिन भक्ति में क्या जानते हो, ज्ञानी में कौन अधिकारी है, जब तुम सारे अंतर इंद्रियों को पूरा दमन कर लोगे, बाहर इंद्रियों को दमन कर लोगे तब भी ज्ञान साधन करने में अधिकार है, उसको पहले तुम्हें अधिकार नहीं, लेकिन जो भक्ति ऐसे की चीज है, भक्ति के लिए किसी गुण का भी तुम्हारी जरूरत नहीं, भक्ति के लिए कोई तुम्हारी गुण की जरूरत नहीं,
किसी अवस्था में किसी स्थिति में तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो, उसमें कोई तुम्हारी भूल की जरूरत नहीं। अभी जैसे कोई व्यक्ति आया जा रहा है कथा में बैठेगा, बस भक्ति हो गया उसको। पापी से पापी, अजामिल जैसे पापी, वाल्मीकि जैसे पापी है, वाल्मीकि जैसे पापी दशरथना करता, अजामिल जैसे पापी अपना बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण बोलते बोलते उसको उद्धार हो गया, नारायण बोलते बोलते उसको उद्धार हो गया है। इसलिए कहते भक्ति के लिए ना कोई गुण की जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। कभी किसी अवस्था में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते एक जानवर भी भक्ति कर सकता है, एक चूहा भी भक्ति कर सकता है। बोलते ना कार्तिक का महीना था, किसी भक्त ने भगवान के दरबार में दिया जलाया, भगवान के दरबार में दिया जल रहा था, वो चूहा ने अभी दिया धीरे धीरे बुझने चाह रही थी, एक चूहा तेल खाने के लोभ में गया, वो तेल पीते पीते अभी उसको दांत में बत्ती लग गई तो उसने पीछे हटा, पीछे हटते ही दिया जो बुझने चाह रही थी दिया हो गया तेज, और उसको मुंह में थोड़ी सी आग लग गई, और थोड़ी सी आग लगते ही दो तीन बार चलाने लग गया। देखो इसकी भक्ति हो गई। भगवान ने सोचा कार्तिक की महीना दिया बुझने जा रही थी और चूहा ने दिया दिया तेज कर दिया, मतलब उसने मेरे को आरती उतारा, दो तीन बार छलांग लगा दिया, मानव मेरे को आरती उतार तो ये मेरे सामने निकल दिया। अगले जीवन में वो राजकुमार रूप में जन्म लेती, राजकुमार रूप में जन्म लेती, फिर भक्ति करते करते ठाकुर जी अपने धाम में स्थान दे देते। इसलिए जो भक्ति इतने आसान रास्ता में जा रहे हो, कहीं ठाकुर जी का प्रसाद दे रहे हो, अपने थोड़ा प्रसाद पा लिया, बस उससे भक्ति होगी। इसलिए कहते थे एक समय जो रामानुज आचार्य जब प्रचार कर रहे थे, रामानुज आचार्य जब प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते समय एक राजकुमारी को शरीर में भूत भूत का ये होगा, भूत लग गया, प्रेत ब्रह्मदैत्य का, उसको ऊपर में ब्रह्मदैत्य के सवार हो गए, वो राजकुमारी के ऊपर में बड़े बड़े तांत्रिक आए, लेकिन किसी तरह से उनको उद्धार नहीं हुआ, वो इतने जोर जबरदस्त ब्रह्मदैत्य थे। लेकिन जब श्री रामानुज आचार्य जी वहाँ पर आए हैं और अपना गुरु जी को साथ में, जब रामानुज आचार्य जी आए उनको गुरु जी कोशिश कर रहा था भूत को छुड़ाने के लिए, और ब्रह्मदैत्य खुद बोल दिया, बोले तेरे मंत्र कोई काम नहीं करेगा, तेरे मंत्र काम नहीं करेगा, हाँ तेरे साथ में जो छोटा बालक है ना श्री रामानुज आचार्य कौन, लक्ष्मण का स्वयं लक्ष्मण है, अगर ये चरण धो करके हमें चरणामृत दे दे मेरी उद्धार हो जाए, संतों का चरणामृत से मेरे की मुक्ति मिल जाए हैं। वो प्रेत ब्रह्मदैत्य कहते हैं, तो ब्रह्मदैत्य जो रामानुज आचार्य जो गुरु है ना उनको कह रहे हैं, तेरे को पता है तुमको ये रामानुज आचार्य जो इतने बड़े संत का संग कैसे हुआ। प्रेत कह रहा है, बोले तुम्हारी पूर्वजन्म का कथा सुना, बोले कोई एक संत ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगाया, ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगा करके उसने प्रसाद पाया, उसने प्रसाद पाया, वो पत्तल में जो प्रसाद बच गया था उसने उन्हें किसी नदी में फेंक दिया, जब नदी में फेंका तुम उसी समय नदी में मगरमच्छ था, वो नदी में तुम मगरमच्छ था, लेकिन उसने जो प्रसाद को फेंक दिया तुमने क्या किया, तुमने वो प्रसाद को खा लिया, जब प्रसाद खा लिया संतों का प्रसाद तुमने पाया, इसलिए मगरमच्छ से अभी तुम क्या हो गया, अभी इंसान रूप में जन्म ग्रहण किया, और संतों का आधार रूप ठाकुर संत के आधार रूप पाए तो अभी इतने बड़े संतों का तुम्हें दर्शन मिला, उनका संग मिला। देखो एक मगरमच्छी भगवान के प्रसाद कैसे थोड़े से खा लिया तो उसका जीवन कैसे परिवर्तन हो गया, और इतने बड़े संतों का दर्शन, रामानुज आचार्य जी से साधु का संबंध। इसलिए यहाँ पर कहते जो भक्ति ऐसे की चीज है ना, इसके लिए कोई तुम्हारी गुण की जरूरत नहीं, किसी अवस्था में कैसे भी ये भक्ति को तुम कर सकते हो। लेकिन ज्ञान के लिए पहले अंतर शुद्धि चाहिए, बाहर शुद्धि चाहिए, सम तम
है समा तमा प्रतीक्षा, ये बड़े कठोर साधन चाहिए कलयुग में, कहीं ज्ञान में तुमको अधिकार अधिकार मिलेगा, उसको बाद में फिर ज्ञान साधन करें। इसलिए कहते ऐसे ऐसे जो ज्ञानी करोड़ों करोड़ों ज्ञान मार्ग को जो फॉलो करते हैं, एक व्यक्ति उसमें मुक्त होते हैं। वास्तविक रूप में वो ब्रह्म साधुत्व को प्राप्त करना भी इतने आसान नहीं है। कोई एक व्यक्ति विरल व्यक्ति को वहाँ पर मुक्त होता है, लेकिन ऐसी जो करोड़ों करोड़ जो मुक्तों को अवस्था में कहते एक व्यक्ति सुदुर्लभ जो कृष्ण भक्त है। इसलिए जो कृष्ण भक्त है ना बड़े भाग्य है। इसलिए आप लोग जो मंदिर में आते हो, तिलक लगाते हो, गला में कंठी पहने हो और भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जो हरि नाम कर रहे हो बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। नहीं तो ये शुद्ध भक्ति में कोई आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक है कृष्ण भक्त, इसलिए कहते जो कृष्ण भक्त इतने दुर्लभ क्यों, कि कृष्ण भक्त में क्या चीज है, कृष्ण भक्तों के अंदर में क्या चीज है, कहते इनके अंदर में कृष्ण भक्त निष्काम, इनके अंदर में कोई कामना वासना नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश का है, ममा जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहिति तोरि। मेरे भक्त इतने महान, इतने महान, सारा दुनिया किस लिए भगवान की भक्ति करता है, देवादेवी को, मेरे धन चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें रुपया पैसा चाहिए, हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, दुकान मकान हमें मिल जाए, हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना, वो किसी चीज़ को लेना नहीं चाहते, किसी चीज़ की इनके हृदय में किसी तरह का कामना वासना नहीं, धन जन पुत्र परिवार, बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए, बोले फिर चाहिए क्या तुम्हें, बोले प्रभु जन्म जन्मांतर में आपकी आहित की भक्ति प्रेम हो और आपके चरण की हमें सेवा दे, चरण की सेवा दे। इसलिए भगवान जब उसके वृद्धाश्रम को बोले, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले नना कब प्रेषकम, बोले स्वर्ग दे, स्वर्ग जाओगे आप, बोले आपको स्वर्ग जाओगे, बोले नहीं हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें सारा दुनिया दुनिया लोग क्या चाहते स्वर्ग जाएंगे, बोले क्यों, बोले स्वर्ग में खाना पीना अमृत पिएंगे रामबा और बस मैंने कहा वहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, वहाँ पर भोग करेंगे नंदन कानन पारिजात पुष्प सुधर्मा सभा है सारा, बोले स्वर्ग जाओ, बोले स्वर्ग नहीं चाहिए, बोले उसको ऊपर लोग ले लो, सात लोग ऊपर में ब्रह्म लोग हैं, उससे स्वर्ग लोग में जितना आनंद है ना उससे सौ गुण भू लोग में, उसको ऊपर में तप लोग में और सौ गुण में, सत्य लोग में और सौ गुण, सौ सौ गुण आनंद बच्चे लोग मिल जाता है। बोले ब्रह्म लोग ले लो, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले अगर ब्रह्म लोग नहीं लेना चाहते ना, बोले रसातल लोग ले लो, उससे भी ज़्यादा आनंद ऐश्वर्य रसातल लोग ले, नीचे लोग बोले उसको ले लो, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले फिर अगर उसको नहीं चाहते फिर मुक्ति लोग ले लो, जहाँ पर जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगी, जहाँ पर कोई दुख कष्ट नहीं उसको ले लो, बोले नहीं 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 नहीं, हाँ देखो मुक्ति में वहाँ पर तो दुख कष्ट नहीं है, जन्म नहीं मृत्यु नहीं, लेकिन वहाँ पर जो आनंद है ना आनंद नहीं। जैसे एक व्यक्ति शराब पी करके, जैसे एक व्यक्ति शराब पी ले और बेहोश होकर पड़े हुए, बेहोश होकर पड़ा हुआ हो, नहीं तो जैसे रात को कोई गहरा नींद में सो जाए, एकदम गहरा नींद में सो जाए, सवेरे उठकर क्या आज कितने बढ़िया नींद है, कहते आज कितने बढ़िया नींद है, बोले अगर नींद आई तो बढ़िया नहीं, तो दिन भर सोते रहोगे, उठने का जरूरत नहीं, उठने का जरूरत नहीं। लेकिन जब हम सो जाते क्या होता है, हमारी कोई चेतनता नहीं रहती, जैसे अज्ञान बेहोश होकर पड़े रहते, हाँ बेहोश होकर पड़े रहते। कहते जो मुक्ति है ना वो ऐसे की चीज है, जन्म तो नहीं होगा मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन जो आनंद जो चीज एक है वो आनंद चीज उसमें नहीं, उसमें नहीं। इसलिए बताए
कहते कृष्ण प्रेमानंदे जे आनंद सिंधु, मतलब कृष्ण प्रेम के आनंद में, कृष्ण भक्ति में जो आनंद है, इतने आनंद कृष्ण भक्ति में, इतने आनंद है, हैं, इतने आनंद कृष्ण भक्ति में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हर जीव के हृदय में कुछ ना कुछ आनंद है, सबका हृदय में कुछ ना कुछ आनंद है, कि आनंद है तब तो जिंदा कोई। कहते पृथ्वी में जितने लोग उसका हृदय में जो आनंद है वो आनंद को एक कटे कर लो, एक कटे उसका आनंद कर लो, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में जो आनंद है कहते ऐसे जैसे एक अथाह समुद्र है, जैसे समुद्र का एक बूंद पानी, एक बूंद पानी जो है उसको सामने कृष्ण भक्ति ऐसे अथाह समुद्र है, एक बूंद पानी को सामने जैसे कि दुनिया में जितने जीव के हृदय में आनंद है वो आनंद को अगर एकट कर लोगे ना वो बराबर नहीं हो सकता है। इतने कृष्ण भक्ति रस में इतना आनंद, बोले कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु, करोड़ों ब्रह्मानंद मिला मिलाने पर भी कृष्ण भक्ति रस के सामने उसका एक बूंद को सामने बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में इतने आनंद है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कृष्ण भक्त है एकदम शांत है, इनका हृदय शांत रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं भैया वैष्णव हृदय सदा, बोलो उसके बाद गोविंद विश्राम गोविंद करे नाम वैष्णव प्रति जन्म करियासा चरणी रतोली नरोतम कर दया आप नार बोली। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते भगवान कहते वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। इसलिए भगवान कहाँ विश्राम करते हैं, बोले वैष्णव का हृदय, क्यों उनका हृदय में क्यों विश्राम करते हैं और कहीं किसी हृदय में क्यों विश्राम नहीं करते हैं, बोले कारण ही जो भगवान के जो भक्त है ना उनका हृदय एकदम शांत है, हृदय में किसी तरह का कोई कामना वासना नहीं, कोई कामना वासना उनके हृदय में एकदम शांत। हम कहाँ पर विश्राम करते हैं, जहाँ पर हई होला हम विश्राम कर सकते हो नहीं, जहाँ पर एकदम शांत हो कोई हई होला नहीं हो वहीं पर हम विश्राम करते हैं। कहते जो वैष्णव का हृदय में कोई हई होला नहीं बल्कि उनका हृदय में सेवा करने का मन है। जैसे आप किसी घर में जाते हो जाने पर आपको बहुत सेवा करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाता है, बड़े आदर करता है, बड़े इज्जत करता है और बढ़िया बढ़िया खाना खरीद करके इधर उधर से आप क्या करोगे, चलो उनको घर में आएंगे बढ़िया सुंदर खाना बनाते हैं। कहते उसी तरह जो वैष्णव लोग है कहते ये क्या करते हैं, अगर भगवान कुछ बोलते हैं ना बेटा कुछ ले लो मेरे से, बोले नहीं लो, बोले क्या चाहते हैं, बोले आपका चरण किसरा है। इसलिए भगवान कभी कभी कहते हैं बोले भैया मैं तो ये संतों को पीछे पीछे चलता, ये संतों को पीछे पीछे चलता, बोले क्यों, बोले इनकी चरण धूल मेरे सर के ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊँ। किसी ने कहा प्रभु क्या आप अपवित्र हो गए हो, बोले मैं तो इनसे इनसे ले लेकर के ना वैष्णव से मैं ऋणी हो गया, वैष्णव से ले लेकर ऋणी हो गया, क्यों ये दिन भर मेरे सेवा करते हैं। अगर मैं कुछ बोलता हूँ भैया कुछ चाहिए, बोले नहीं आपके चरण की सेवा दे, वैसे तो इनके चरण में ऋणी हूँ, फिर जब बोलता हूँ कुछ लो कहते आपके चरण की सेवा दे, फिर इनके ऋणी बन जाता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ ये वैष्णव का ऋणी से मैं उड़ी कैसे बन, ऋणी से मेरे को मुक्त कैसे मिले, हैं। इसलिए सोचता हूँ जब वैष्णव लोग चलेंगे ना अगर उनको पीछे 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 चलूंगा तो उनकी चरण धूलि उड़ेगा, उड़ करके मेरे सर पर पड़ेगा, पड़ेगा तो मैं पवित्र होगा। देखो इतने वैष्णव लोग इतने महान हैं, भगवान भी जिनकी चरण की धूल के लिए तरसते हैं, संतों का चरण धूलि मेरे सर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ, इतने वैष्णव की इतने महिमा। तब हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले भैया भगवान क्यों वैष्णव का चरण धूल चाहते हैं, भगवान क्यों वैष्णव का चरण धूल चाहते हैं, सुन रहे हैं।
मैं आज बताऊंगा और मैं सुनूंगा, मैं भी बताऊंगा कि भगवान वैष्णव चरण धरे क्यों चाहते, फिर मैं सुनूंगा। मैं अभी पूछूंगा बात, अभी मैं बताता हूँ क्यों भगवान भक्तों का चरण धर लेते, फिर कथा के बाद में पूछूंगा क्या समझे, मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभी ध्यान से सुनो, कहते भक्त क्यों, भगवान क्यों भक्त का चरण धर चाहते हैं। कहते भगवान विषय, हमारे आराध्य देव भगवान विषय और भक्त आश्रय, भक्तों का आश्रय बताएगा ये आश्रय तत्व, और जो विषय तत्व मालिक कौन, भगवान। भक्त क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को जितने आनंद मिलता है, भगवान को जितने आनंद मिलता है उससे करोड़ों आनंद मिलता है राधा रानी। राधा रानी क्या करती है, कृष्ण सेवा करती है, कृष्ण सेवा करती है। कृष्ण को जितने आनंद मिलता है ना उससे करोड़ों आनंद मिलता है राधा रानी। जैसे आपने खाना बनाया, आपने खाना बनाया, खाना बनाया, आप जिसको खिलाया ना, जैसे किसी वैष्णव ने खिलाया, गुरु जी को खिलाया, लेकिन इतने बढ़िया तुमने खाना बनाया, गुरु जी खूब खुश हो मेरे पास, अंगुल को चाट चाट कर खाए और प्लेट को चाट चाट कर खाए और तुम्हारे इतने तारीफ भी कर, क्या तुमने खाना बनाया, जैसे खाना नहीं तुमने अमृत बनाया, तुमने अमृत बनाया। अब देखना जिसने खाया उसको तो आनंद मिला, लेकिन उसने जब तुम्हारी तारीफ किया ना उससे आनंद तुम्हें मिले, अरे आज हम खाना बनाना सार्थकता हो गया और ऐसे खाना खाए, थाली को चाट चाट कर, अमृत को चाट चाट कर खाए, बोले क्या तुमने अमृत बनाया, एकदम सुंदर बनाया। क्या होगा उसमें बता, जो खाना बनाया ना, जो खाया उसको तो आनंद मिला, लेकिन उसने जब तारीफ किया खाना बनाने वालों को, वो ज़्यादा प्रसन्न होता, भैया आज हमारे खाना बनाना सार्थक तो हो गया, गुरु जी खा कर इतने खुश हो गए, खुश तो हो गए, जाकर सबको बोले घर में देखो हम इतने बढ़िया खाना बनाया, गुरु जी चाट चाट कर अंगुल को खाए और इतने पंचम मुँह में प्रशंसा कर रहे थे, आप फिर इतने खुश हो गए ना, सब जिसको देखो तो बोलोगे हाँ इतना खाना बनाया गुरु जी, इतना खुश हो गए। उसी तरह राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। अभी कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं ना, कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं उससे ज़्यादा प्रसन्नता किसको होता है, बोले श्री राधा रानी को प्रसन्नता होती है। कहाँ कहाँ बुला कर ले जा रहे, पाँच मिनट बाद में, पाँच मिनट बाद में आप भी बढ़िए, हरे कृष्ण। इसलिए कहते कृष्ण सोचते हैं भैया ये राधा रानी मेरे को सेवा करती हैं, लेकिन जो आनंद मुझे प्राप्त होती होता है उससे करोड़ गुण आनंद राधा रानी को मिलती है। बोले भैया जरूर इसकी प्रेम में कोई विशेष वस्तु है, इनके प्रेम में कोई विशेष वस्तु है। अभी कृष्ण के हृदय में अभी भक्त जो सेवा करते हैं उनका जो आनंद है ना, कृष्ण का हृदय में दुग 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 की मतलब है कैसे वो आनंद हमें मिले, कैसे वो आनंद हमें मिले, मेरे से करोड़ों गुण ज़्यादा आनंद राधा रानी को, मेरे प्रेम में दीवानी बन जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, उनके शरीर में प्रेम की विकार दिखता है, लेकिन मेरे को कुछ होता नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता है। इसलिए अभी भगवान सोचते हैं भक्तों के हृदय में जो आनंद को आनंद हमें कैसे प्राप्त हो, कृष्ण सोचते भैया कैसे मिलेगा। कहते भक्तों जो आनंद को आस्वादन करता है कैसे, बोले भक्ति को द्वारा, हृदय में भक्ति, तभी तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, हृदय में अगर प्रेम है भक्ति है तभी हम भगवान को भक्ति करते हैं, लेकिन भक्तों भक्ति को द्वारा वो प्रेम का आस्वादन करते हैं, लेकिन वो भक्ति कहाँ पर है, बोले भक्तों का हृदय, भगवान के हृदय में नहीं, भगवान के हृदय में भक्ति किसके हृदय में, भक्तों के हृदय में। कहते वो प्रेम का आस्वादन कैसे करेगा, थ्रू क्या, भक्ति, वो भक्ति को द्वारा करेगा। अभी कृष्ण सोचते हैं भैया भक्ति मिलेगी कैसे, मिले भक्ति मिलेगा कब, तो हम प्रेम आस्वादन करेंगे ना, भक्ति मिलेगा भक्तों का हृदय में, अभी भक्ति मिलेगा कैसे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीन चीज को द्वारा आप जल्दी से जल्दी भक्ति तीन चीज को द्वारा पा सकते हो। बोले क्या तीन चीज,
बोले एक भक्तों का चरणा मृता, दूसरे चीज भक्तों का चरण खुली, तीसरा चीज भक्तों का प्रसाद अधार। कहते हैं तीन चीज को द्वारा भक्ति जल्द से जल्द अपने भक्त मिले, जल्द से जल्द भक्ति। ये तीन चीज से क्या क्या तीन चीज याद रखना, भक्तों का चरणा मृता, भक्तों का उचिष्ट और भक्तों का चरण, उसमें एक चरण मिले। इसलिए कृष्ण सोचते हैं भैया भक्तों का चरण धूली से भक्ति मिलेगा, इसलिए जब भक्त चलते हैं, भक्त जब चलते हैं भगवान छुप छुप कर उसको पीछे चलते हैं, छुप छुप कर। क्यों? जब भक्त चलेंगे उनका चरण धूल उड़ेगा, चरण धूल उड़ेगा तो मेरे सर पर पड़ेगा, जब सर पर पड़ेगा ना भक्तों के हृदय में जो भक्ति है फिर मेरे को भक्ति मिलेगी। अगर मेरे को फिर भक्ति मिलेगी तो भक्ति को द्वारा मेरे अंदर में जो रस है, मेरे अंदर में जो आनंद है भैया की भक्ति को द्वारा मैं प्राप्त कर सकता हूँ। हैं, जैसे रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला को पता नहीं रसगुल्ला में क्या आनंद है, किसको पता जो रसगुल्ला खाता है, रसगुल्ला जो खाता है ना उनको पता भैया रसगुल्ला में क्या आनंद है, लेकिन रसगुल्ला को पता नहीं भैया रसगुल्ला में क्या आनंद है। इसलिए कृष्ण का रस स्वरूप आनंद स्वरूप है, लेकिन क्या आनंद होता है कृष्ण को पता नहीं, किसको पता है भक्तों को। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों का पीछे 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 भक्तों का चलता हूँ, उनका चरण खंडित होकर के सर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ और भक्ति रस का आस्वादन करूँ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत है, भक्तों का तो हृदय है ना बड़ा शांत हृदय है, उनके हृदय में कोई उथल पुथल नहीं, कोई कामना वासना नहीं उसका हृदय में, एकदम शांत निष्काम शांत प्रसन्न रहते हैं भक्त लोग, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि का में सकल आसान है, जो भोग करना चाहते हैं, जो मुक्ति पाना चाहते हैं और जो सिद्धि का में रिद्धि सिद्धि है, जो रिद्धि सिद्धि पाना चाहते हैं प्राप्ति प्राकाम्य अष्ट अष्ट सिद्धि नवनिधि, हाँ बड़े बड़े आश्चर्य चीज, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि बड़े बड़े आश्चर्य चीज, कहते ये लोग अशांत हैं। बोले क्यों? हृदय में इनकी कामना वासना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए 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 चाहिए, लेकिन भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्त भगवान की सेवा चाहिए, ठाकुर जी की चरण की सेवा केवल चाहिए। अतः भक्त लोग अशांत नहीं, भक्त लोग शांत हैं। इसलिए यहाँ पर बताए अभी जो शांत भक्त लोग हैं, तब यहाँ पर महाप्रभु यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं। फिर वो भक्ति किसको मिलता है, वो भक्ति किसको मिलता है, फिर वो भक्ति मिलेगा कैसे? ये भक्तों का संग से ही भक्ति मिलेगी, लेकिन जब भक्ति में जो आते हैं कैसे आते हैं, तो उन्होंने एक श्लोक के द्वारा उन्होंने बोले। कहते जो श्लोक है ना बहुत बढ़िया श्लोक है, जब प्रभुपाद कहीं भी प्रभुपाद क्लास देते थे, प्रभुपाद कहीं हरि कथा बोलते थे, प्राय करके ये दो लाइन को व्याख्या करते थे, प्राय करके प्रभुपाद यही दो लाइन को व्याख्या करते थे। अब लोग कोशिश करना कि दो लाइन को याद करें, ठीक है? वो दो लाइन है ब्रह्मांड भ्रमित कौन, बोलो ब्रह्मांड भ्रमित कौन, तुम लोग बोलो भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ये दो लाइन प्रभुपाद हर समय प्राय करके प्रभुपाद ये दो लाइन को व्याख्या करते थे, कहीं अगर कथा करते थे ये दो लाइन को प्रभुपाद व्याख्या करते थे। इसलिए अगर आप लोग भी कहीं कथा सुनाओगे ना केवल ऐसे दो लाइन को व्याख्या कर बस हो जाएगा, केवल दो लाइन समझो, ऐसे दो लाइन में सब वेद वेदांत उपनिषद भागवत की दो लाइन में विद्यमान है। अरे दो लाइन कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। बोले किसको बोल रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी को बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी को ये दो लाइन बोल रहे हैं। कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजे। इसका मतलब है कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 कभी राजा कभी प्रजा कभी सुखी कभी दुखी कभी जानवर कभी पेड़ कभी पौधा हम ऐसे ही भगवान भूल करके अनादि काल से गधे सुअर कुत्ते होकर के हम भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते 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 क्या होता है बोले कौन भाग्यवान जीव किस कोई भाग्यवान व्यक्ति बोले भैया कौन मतलब कोई भाग्यवान व्यक्ति क्या बताए गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। तब प्रभुपाद कहते भैया कौन मतलब कौन किसको मिलता है किसको ये भक्तों का संग मिलता है कौन ये सदगुरु के पास में आते हैं संतों से किसकी दर्शन होता है बोलो साधारण व्यक्ति नहीं कौन मतलब जिनको पूर्व पूर्व जन्म में जान और अनजान में जान करके नहीं तो अनजान में जिनको भक्ति उन्मुख सुकृति सब नहीं जिसको भक्ति उन्मुख सुकृति बोले भैया भक्ति उन्मुख सुकृति क्या है कहते तीन चीज है एक पाप एक पुण्य और एक सुकृति तीन चीज है। बोले पाप के द्वारा क्या होता है पाप किसको कहते हैं बोले वेद विरुद्ध धर्म है इसको पाप कहते हैं जैसे जुआ खेलना हैं किसी तरह का नशीली वस्तु लेना पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा पुटका खाना अवैध रूप में स्त्री संग करना बगैर शादी के हैं स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री को साथ में अवैध रूप में जो असत संग है वो असत संग करना फिर मांस खाना अंडा खाना हैं इसलिए मछली खाना किसको कष्ट करना चोरी करना कहते इसको कहते पाप बोले इसका फल क्या बोले नरक जाओ फिर नरक भोग हो जाएगा फिर इस जगत पर फिर आना खत्म होते बोले पुण्य क्या है दुखी दरिद्र को सेवा करना हैं स्कूल खोल दिया कॉलेज खोल दिया हॉस्पिटल खोल दिया दूसरों को करने हैं किसी दान पुण्य कहते हैं पुण्य बोले इसका फल क्या बोले इसका फल स्वर्ग नहीं तो ब्रह्म लोक तो जाओगे लेकिन जब पुण्य खत्म होगा फिर आओगे फिर इस जगत में जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़ना लेकिन इससे अलग होने के वस्तु है ये दोनों ही नश्वर है ये शरीर संबंधी वस्तु लेकिन एक तीसरी चीज जिसको कहते हैं सुकृति कहते सुकृति क्या है बोले उत्तम कृति है कहते ये शरीर संबंधी नहीं ये आत्मा संबंधी ये आत्मा संबंधी आत्मा परमात्मा कृष्ण भगवान संबंधी है कहते जिसको कहते हैं सुकृति लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होता ये कभी नष्ट नहीं होता अगर भगवत पर वैष्णव को उद्देश्य करके अगर कोई चीज़ आपने कर दिया जैसे आप कथा सुन रहे हो सुकृति सुकृति ठाकुर का आर्थ दर्शन किया सुकृति ठाकुर का प्रसाद बढ़ रहा है तुम्हें पता ही नहीं प्रसाद तुम खाने का लोभ से गया प्रसाद खा लिया खाने के लोभ से गया और तुमने प्रसाद खा लिया लेकिन तुम्हें पता नहीं आपने देखा यहाँ पर खाना दे रहे लेकिन वो भगवान को भोग लगाया हुआ ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ ये तुम्हारी सुकृति हो गई कहीं घूम रहे हो बीच में तुलसी का पेड़ था लेकिन घूम रहे हो लेकिन बीच में तुलसी का पेड़ अनजान में तुम्हारी परिक्रमा हो गई अनजान में परिक्रमा हो गई कहीं भगवान का मंदिर है उसको एक चक्कर लगा दिया बोले एक समय एक कबूतर था ये कबूतर को किसी कुत्ता ने काट दिया तो मरते समय कहीं भगवान विष्णु की मंदिर थी वो कबूतर इतने में क्या थी वो छटपट देखना जो मरता है ना कबूतर छटपट 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 करते 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 क्या हुआ वो था भगवान विष्णु की मंदिर ऐसे ऐसे करते करते छटपट करते छटपट करते 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 मैंने चारों तरफ एक चक्र काट लिया चक्र काटने के बाद प्राण छोड़ दिया लेकिन उसको पता नहीं ये था क्या ये भगवान को विष्णु के मंदिर पता नहीं लेकिन छटपट करते 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 प्राण छोड़ दिया बस अगले जीवन में भक्त घर में जन्म ले कोई एक दुष्ट व्यक्ति था उसने एक वेश्या को लेकर गलत काम करने के लिए गया अभी उनको पता नहीं ये भगवान का मंदिर है देखो जो मंदिर साफ सुथरा करते ना इसका कितना महिमा जो मंदिर को साफ सुथरा करते हो इसलिए उसको पता नहीं ये विष्णु मंदिर है लेकिन वो गंदा काम करने के लिए गया
राधा विनोद बिहारी जी की। अभी उसके गया गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो मंदिर अपरिष्कार था, उसने गंदा काम करने के लिए मंदिर को साफ किया और उसने गंदा काम किया, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु, इतने दयालु, बोले मेरे मंदिर को उसने साफ किया, मेरे मंदिर को साफ किया। वो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अगले जीवन में राजा अपने जन्म हुआ। वो राजा क्या करता था, रोज जाकर के भगवान का मंदिर में पोछा लगाता था। लोग बोलते थे ये राजा होकर के मंदिर में पोछा क्यों लगता, इसका तो नौकर चाकर बहुत रहे थे। राजा को पूछे भैया तू ये मंदिर में रोज क्यों पोछा तक लगाते हो, उसने कहा पूर्व जन्म मेरी याद है, मैंने किसी वेश्या को लेकर गलत काम करने के लिए गया, लेकिन वो था विष्णु मंदिर, मैंने मंदिर को साफ किया, मेरे को पता नहीं था गलत काम किया, ठाकुर जी कितने दयालु, मेरे को राजा जन्म दिया। अगर गंदा काम करने के लिए अगर गया साफ किया राजा दे दिया, अगर मैं भक्ति भाव से भगवान मंदिर साफ करूँ तो ठाकुर ने क्या मिलता है। इसलिए भगवत मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना इतने पुण्य है। इसलिए कि तो जान अनजान किसी साधु को कोई वस्तु दे दिया आए, लेकिन वो साधु ने उसको लेकर के ठाकुर का सेवा में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, ठाकुर को प्रसाद स्वयं प्रसाद पाया, ठाकुर को संत सेवा हो गया। इसलिए ऐसे ज्ञान और अनजान में अगर हमने साधु गुरु वैष्णव अगर भगवान के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं सुकृति। लेकिन ये सुकृति कभी नष्ट नहीं होगा, पाप पुण्य तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन सुकृति का फल क्या, फिर भगवत इच्छा से तुम्हें साधु संग मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवन में ये साधु संग किसको मिलता है, बोले कौन भाग्यवान जी जो पूर्व पूर्व जन्म में बहुत भक्ति उन्मुख सुकृति जिसको हुई है उसको कहीं जीवन में साधु दर्शन मिलता है। पास साधु का दर्शन हो गया, कृष्ण भक्ति के बीज प्राप्त हुआ, फिर भजन करते 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 ठाकुर जी के पास में भजन करते करते ठाकुर जी की चरण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, फिर उसका दूसरे लाइन में है गुरु कृष्ण प्रसाद, कल आप इसको सुनेंगे, गुरु कृष्ण प्रसाद किया है, ये भक्ति लता बीज किया है, फिर कथा को हम कल सुनेंगे। ठीक है, वंशा कृष्णदर्श कृपा सिंह कृष्ण Thank you.